आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम यूनिट हमारी तीसरी है हिस्ट्री की और ये पार्ट टू है। इसमें हम आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मेन मेन टॉपिक ही लिए हैं मैंने यहाँ पे। आप क्या करेंगे, बाकी ऐसे वाले की बुक में आप अपनी बुक में पढ़ लेंगे, या आप राइटर की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़ लें, पर मैं आपको बेसिक मेन सारा समझा दूंगा। तो देखिए, पार्ट वन में आपको सामंतवाद, सामंत व्यवस्था और गुप्तोत्तर काल जो है, आरंभिक मध्यकाल और मौर्य साम्राज्य में और गुप्त काल में क्या अंतर था, ये सारी बेसिक चीज़ें तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। उसके आगे का यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, आरंभिक मध्यकाल में कई बदलाव देखने को मिले हैं। क्या बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि भूमि अनुदान का चलन, यानी कि अब क्या हो गया था, मतलब चलन बन गया था कि भूमि जो है राजा दान में देने लगे थे बहुत ज़्यादा। प्रशासनिक मामलों में स्थानीय स्वायत्तता को महत्व दिया जाने लगा था, यानी पहले क्या होता था, जो राज्य होता था, जो शासन व्यवस्था होती थी, वो केंद्रीकृत होती थी, यानी राजा ही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ ध्यान में रखेगा। लेकिन अब राजा ने क्या करा, राजा ने क्या करा है, यहाँ पे मेन जगह तो अभी भी राजा ही है, पर उसने अपने कुछ प्रशासनिक कर्मचारी रख दिए, उनको जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई फलाने क्षेत्र को ये देखेगा, दूसरे क्षेत्र को ये देखेगा, तीसरे क्षेत्र को ये देखेगा। इस तरीके से स्थानीय स्तर पे इन्होंने प्रशासन को काम दे दिया कि भाई तुम्हें ये सारा देखना है। अगला है, शासन के कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान के द्वारा भुगतान किया जाता था, यानी जो कर्मचारी लोग होते थे, जो भी शासक के लिए, राजा के लिए काम करते थे, उनको पैसा जो होता था, जैसे वेतन या सैलरी जो होती है, वो नगद ना देते हुए उसको जमीन दान में दे दी जाती थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जनसंख्या बहुत कम थी, जमीन बहुत ज़्यादा थी, तो आराम से दान में दे दिया जाता था, कोई फर्क पड़ता नहीं था। ये प्रक्रिया चीनी यात्री हेनसांग जो थे उसके समय तक थी। जो ये चीनी यात्री जो हेनसांग आया था, इसके समय तक ये प्रक्रिया चलती थी भूमि अनुदान का। भूमि अनुदान से शासक जो होता था वो नगद देने से बच जाता था, कैश वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, सीधा भूमि दे दी दान में। इस अवधि में क्या होता था कि शासन ने बड़े पैमाने पर धार्मिक अधिकारी और संस्थाओं को स्थायी तौर पर आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार देना आरंभ कर दिया था। जो शासक होता था वो क्या करता था, जो भी धार्मिक अधिकारी है, मान लो कोई धर्म प्रचारक है, या कोई संत महात्मा है, या कोई धार्मिक संस्था है, ठीक है, उसको क्या करते थे, वो जो भूमि होती थी वो दान में दे देते थे, और उनको कुछ आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार दे देते थे, यानी उनको महत्व बढ़ जाता था। भूमि अनुदान के कारण सामंतों की श्रेणी बढ़ने लगी। सामंत जो थे वो भूमि अनुदान के कारण बढ़ने लगे थे, और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी होने लगी थी। अब ये सामंतवाद क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक राजा होता है, राजा के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें वो शासन करता है, तो राजा क्या करता है, अपने काम को कम करने के लिए अपने क्षेत्र को कुछ हिस्सों में बांट देता है, और उन हिस्सों को पे अलग अलग लोगों को दे देता है कि भाई तुम यहाँ पे शासन करो, और वो सारे शासक जो होते हैं वो राजा के गुलाम होते हैं, टैक्स वगैरह जो होते हैं वो राजा को ही देते हैं, ठीक है। वो नाम के ही राजा होते हैं, असली राजा तो वही होता है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव तो वहां पे होता ही है। तो ये सामंतवादी व्यवस्था होती थी। इस अवधि में राज्य ने, यानी सरकार ने, अपने आप को जरूरी क्रियाकलापों तक सीमित रखा। जो बहुत जरूरी जरूरी क्रियाकलाप होते थे वहीं तक अपने आप को सीमित रखा, बाकी सारे काम जो ज्यादातर होते थे वो प्रशासन या कर्मचारियों के हाथ में दे दिए। राज्य जो है अब गांव और नगर दोनों स्तरों पर प्रशासन में स्थानीय स्वायत्तता जो है ला चुका था। स्थानीय स्वायत्तता का मतलब होता है, या प्रशासन में स्थानीय सरकार का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई गांव है, तो गांव में राजा जो है वो केंद्रीय स्थान पे, जो भी उसकी राजधानी वगैरह होगी वहां से राज करेगा। राजा जो है गांव में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। गांव के जो लोग होंगे, सरपंच वगैरह होंगे, या जो कर्मचारी होंगे, उनको जिम्मेदारी दे देगा कि भाई तुम्हें ये यहाँ का देखना है, और वो जो होंगे वहां के लोगों की राय सलाह करके उनके लिए काम करेंगे। तो ये स्थानीय शासन हो गया, लोकल लेवल पे शासन, ठीक है। यह आरंभिक मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण घटना थी, और प्राचीन काल में स्थानीय प्रशासन के लिए समितियां बनाई जाती थी। प्राचीन काल मतलब पुराने टाइम के, मौर्य काल में या उससे पहले के काल की बात कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होता था, प्रशासन के लिए समितियां बना दी जाती थी। लेकिन आरंभिक मध्यकाल तक ये काम जो था वो ग्रामीण प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया, यानी जो गांव के जो प्रतिनिधि, गांव के जो कर्मचारी वगैरह हैं, उनको दे दिया काम कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे कई सारे उदाहरण संगम काल जो है उसमें से भी मिले, दक्षिण भारत में जो संगम तमिल वगैरह भी आप पढ़ोगे तो वहां पे भी ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं। सुदूर दक्षिण भारत में
तो वहां पे क्या होता था, परिषदें और सभाएं अस्तित्व में थी। देखिए ये जो है नीचे, इसे दक्षिण भारत कहा जाता है, ये जो हिस्सा आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या होता था, सभाएं होती थी और परिषद अस्तित्व में थी। और ऐसा अचानक नहीं हुआ था। अचानक नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो सभा और परिषद वाला सिस्टम है ना, ये अचानक नहीं है बल्कि बहुत पुराने समय से रहा होगा, धीरे 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 करके आया होगा, अचानक नहीं आया होगा। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो सभा और परिषद वाला सिस्टम था ये पहले से ही था। और देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जिस काल की हम बातें पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा साक्ष्य सबूत नहीं मिले हैं। ज्यादा सबूत ना मिलने की वजह से कुछ ही, मतलब जो जैसे कुछ पुरातत्व हो गए या कुछ, अगर कहीं लिखित में कुछ मिल गया हो तो उस पे आधारित है, वरना बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से सबूत नहीं मिल पाए हैं। तो आगे देखिए, कुछ शिलालेखों में इसके प्रमाण भी मिले हैं। सभाएं जो होती थी वो तीन प्रकार की होती थी। देखिए सभाओं का पहली सभा जो थी उसका नाम होता था उर। अब ये उर क्या है, उर का मतलब समझिए, उर का मतलब ये होता था ऐसी सभा जिसमें ब्राह्मण लोग नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे लोग शामिल होंगे जो ब्राह्मण नहीं है, यानी ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है। दूसरा होता था सभा, ठीक है, ये दूसरे का नाम है सभा। यानी कि वैसे सभा तो ये तीनों ही हैं, लेकिन इनके नाम अलग हैं। पहली है उर में कौन आएंगे, जो कि ब्राह्मण नहीं है। दूसरा है सभा, सभा में कौन आएंगे, जो कि ब्राह्मण हैं। तीसरा है नगरम, नगरम में कौन आएंगे, व्यापारिक निगम वगैरह की चर्चा होती है, व्यापार से रिलेटेड ऐसी कुछ बातें होती है उसमें आते हैं ये। ठीक है, तो ये तीन तरह की सभाओं का उल्लेख कहाँ से मिलता है, शिलालेखों से जानकारी मिली है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो चौथी सदी में एक अभिलेख मिला है यहाँ से। उस अभिलेख में क्या जानकारी मिली है, महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें गांव के पदाधिकारियों तथा मुखिया का वर्णन है, यानी कोई गांव होता है तो गांव में कौन मुखिया है और जो अधिकारी होते हैं वो कौन है और उनका काम क्या होता है, इसके बारे में लिखा मिला है एक अभिलेख में। तो इसमें ग्राम भोजक और ग्रामकूट नाम के अधिकारी कर्मचारी जो होते थे वो काम करते थे, और जो गांव के स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होते। देखिए कोई भी गांव अगर होगा, मान लो एक गांव है, उस गांव में मान लो 500 परिवार रहते हैं, तो इन 500 परिवार में 500 के 500 अमीर नहीं होंगे, या आप ये बातें आप अच्छे से जानते हो। तो इसमें कुछ परिवार ऐसे होंगे 500 में से दो चार, एक दो परिवार जो बहुत अमीर भी होंगे और जिनकी मतलब समाज में वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, रिस्पेक्ट होगी। आप देखोगे गांव में मतलब कोई भी काम होगा तो उनकी सलाह ली जाती है या उनको बुलाया जाता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति कह लो आप उनको, दबदबे वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। तो हर गाँव में ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो होते थे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे गाँव के, वो क्या करते थे, जो सरकार के, जो राजा के जो पदाधिकारी हैं यानी कि जो उनके कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलकर गांव के प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब मान लो ये गांव है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बहुत ही ताकतवर है और पूरे गांव इनको मानता है, तो जो कर्मचारी होंगे वो इसके टच में रहेंगे। ठीक है, गांव की कोई भी खबर होगी तो ये कर्मचारी तक पहुंचा देगा। मान लो गांव वाले की किसी की कोई समस्या है तो वो सीधा राजा या राजा के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, वो आएगा अपने उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास, बोलेगा भाई मेरे पास ये समस्या है, आप ऐसा कर सकते हो, राजा तक पहुंचा सकते हो, या कुछ ऐसी जो भी है, तो ये फिर उसको आगे पहुंचाते हैं। यानी एक बीच में कड़ी का रूप में काम करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए पॉइंट। आगे देखिए कि प्राचीन काल से मध्य काल की ओर संक्रमण में सब कुछ नहीं बदला। हाँ देखिए, प्राचीन काल से मध्य काल में जब आ गए तो सब कुछ बदल नहीं गया, बहुत सारी चीज ऐसी थी जो प्राचीन काल में होती थी, कुछ कुछ चीजें वैसी ही अभी भी होती है, कुछ चीजों में ही बदलाव हुआ है। ठीक है, दोनों प्रशासन में कुछ समानताएं भी हैं। अब समानताएं कौन सी है, देखिए अशोक कौन से शासन का है, मौर्य साम्राज्य का है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है, तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का है। तो अशोक ने क्या करा था, अपने समय में जो यात्री लोग होते थे, जो घूमने के लिए आते जाते थे, उनके लिए विश्रामालय बनाए थे खूब सारे, मतलब उनके विश्राम के लिए कुछ जो कमरे वगैरह बनाए जाते हैं वो बना रखे थे उन्होंने। ऐसा ही काम हर्षवर्धन ने भी करा था। ठीक है, हर्षवर्धन जो है, अब आपको मुझे कॉमेंट में बताना है कि अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से है, आप बताइए कि हर्षवर्धन जो शासक था वो किस साम्राज्य का शासक था, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो यानी अशोक ने जो करा था प्राचीन काल में, मध्य काल में हर्षवर्धन ने भी कुछ वैसे ही काम करे थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों काल में सारी चीजें बिल्कुल अलग नहीं थी, कुछ कुछ समानताएं भी थी। अशोक और हर्षवर्धन दोनों ही शासक अपने क्षेत्र का दौरा करते थे, ऐसा कहा गया है। हेनसांग जो हैं, जो चीनी यात्री हैं, इन्होंने लिखा है कि हर्ष जो थे वो पूरे राज्य का दौरा करते थे, पूरे राज्य में अपने घूमते थे। अब देखिए इतना बड़ा राज्य है और ये कहते हैं कि पूरे राज्य में दौरा करते थे और एक स्थान में ज्यादा समय तक वो रुकते नहीं थे, यानी रहते नहीं थे, तो इस पर थोड़ा सा विवाद है, आगे बताऊंगा कैसे। तो देखिए इतिहासकार जो हैं इन बातों को पूरा सत्य नहीं मानते,
इतिहासकार क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि राजा स्वयं ही सब कुछ करता है, यानी राजा खुद ही जा रहा है, पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, सारी चीज़ों की खबर रख रहा है, सब कुछ राजा ही कर रहा है, अगर तो वो एक निरक्षर निरीक्षक का कार्य है, यानी कोई ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करने का उसका काम होता है, कोई कर्मचारी कर सकता है ये काम, तो राजा थोड़ी ना मतलब जरा जरा सी बात पे घूमता फिरेगा। जैसे मान लो हमारा देश इतना बड़ा देश है भारत, हमारे देश के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, तो देश में कहीं पे भी कोई घटना हो जाती है किसी राज्य में, तो पीएम थोड़ी ना जाके हर गली गली में जाके घूमते रहेंगे, रोज रोज सारी चीजें देखते रहेंगे। वही हाल यहाँ पे था, राजा थोड़ी ना छोटी छोटी बातों के लिए घूमेगा। तो ये काम जो है ये निरीक्षक का होगा, यानी कि पीएम ने बहुत सारे कर्मचारी लगा रखे होंगे जो हर राज्य में ये काम देखेंगे। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है, इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि प्रशासन जो है उसमें समुचित नौकरशाही का अभाव होता है, यानी कि अच्छे कर्मचारियों की कमी थी, ऐसी बात हो सकती है, तभी राजा को बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, इतिहासकार जो थे वो गुप्त राजाओं की आलोचना इसलिए भी करते थे क्योंकि उन्होंने अपने कार्य खुद ना करके अपने अधिकारियों को सौंप दिए थे, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि कई मतलब गुप्त काल के राजा थे, उन्होंने क्या करा था, बहुत सारे काम अधिकारियों को दे रखे थे, तो इसलिए इनकी आलोचना की जाती थी। और अगर कोई खुद भी घूमने जा रहा है, कोई इस चीज़ को ध्यान में दे रहा है, तो उसकी भी आलोचना की जा रही है। अब एग्जाम्पल से यहाँ पे समझिए, अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन खुद घूमते थे और हर जगह ध्यान रखते थे, तो इसमें आलोचना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनके पास अच्छी नौकरशाही नहीं थी, वो तो निरीक्षक का काम है, निरीक्षक का, तो फिर राजा क्यों कर रहा है? और जब राजा अगर अपना काम किसी दूसरे को दे देता है, अपने अधिकारियों को दे देता है, तो भी उसकी आलोचना हो रही है, कह रहे हैं कि भाई सारा काम अधिकारियों को सौंप दिया है। तो ये कुछ कहानी चल रही है। तो ये था हमारा एक टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था, यानी कि इस काल में अर्थव्यवस्था के बारे में आपको समझना है, अर्थव्यवस्था में क्या सिस्टम था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था, इसका वर्णन जब पढ़ा गया, विवरण पढ़ा गया, तो पता लगा कि इस समय में कृषि का विकास जो था उसके बारे में जानकारी मिल गई है। कहा गया है कि इस अवधि में कृषि का विकास जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। गांव में भूस्वामी, भूस्वामी वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, जमीन के मालिक होते हैं, यानी गांव में भूस्वामियों का नया वर्ग सामने आया। अब ये भूस्वामी क्यों बन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि जमीन जो है अनुदान में बहुत ज़्यादा दी जा रही है, तो जिसके पास जमीन जिसको दान में मिल जाएगी और मिल जाएगी और मिल जाएगी और मिल जाएगी, तो उसके पास जमीन ज़्यादा होती जाएगी, यानी भूस्वामियों का वर्ग जो था नया वर्ग सामने आया। किसानों की स्थिति में बदलाव आने लगा, किसान जो थे उनकी स्थिति में बदलाव आ रहा है, कई किसान जो हैं वो काफ़ी मतलब उनको फ़ायदा होता जा रहा है, ज़मीन भी उनको मिल रही है, खेती कर पा रहे हैं, और शिल्प उत्पादन बढ़ गया था, व्यापार और नगरीकरण का विकास होने लगा था। इस समय में, इस अवधि में कृषि का विकास बहुत हुआ ऐसा कहा जाता है, लेकिन सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं विकसित हो पाई। यानी कि देखिए, राज्य जो था काफ़ी बड़ा था, एक जगह पे काफ़ी विकास हो गया, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि पूरे राज्य में काफ़ी विकास हो गया, कहीं पे कम भी हुआ है, कहीं पे ज़्यादा भी हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था जो है हर जगह एक जैसी नहीं विकसित हो पाई है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिंधु जो है हमारी नदी, सिंधु के समानांतरण जो बड़ा सा क्षेत्र था, लोग वहाँ पे पशुचारिता करते थे, यानी कि जानवरों को चराते थे, उनका पशुपालन होता था, और इस काल में बहुत सारा क्षेत्र जो था वो जंगलों से भरा हुआ था, जंगल बहुत ज़्यादा थे, और बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे भूमि उजाड़ पड़ी हुई थी, यानी जिसकी खेती भी नहीं की जाती थी जिसपे। तो देखिए ये मतलब क्या है, ये उस समय की बातें बता रहा हूँ जिस समय में मतलब ज़मीनें बहुत होती थी, लोगों की संख्या कम होती थी, तो ऐसा हाल होता था वहाँ पे। तो मध्यकालीन राज्यों ने ब्राह्मणों को और मंदिरों को भूमि अनुदान दिया था, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले वाले पार्ट में। भूमि अनुदान से कृषि में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जो भूमि अनुदान में मिल रही है वो सारी भूमि पे मंदिर थोड़ी ना बनाए जाते हैं, मंदिर कुछ ही जगह पे बनते हैं, और ज़मीन बहुत सारी होती है तो उसको खेती के काम में ले लिया जाता है। किसानों को राज्य की तरफ से कृषि में पूरा प्रोत्साहन मिलता था, यानी देखिए राज्य का मतलब है यहाँ पे सरकार से, सरकार कौन है यहाँ पे, जो भी शासक है, राजा है, जो भी शासन करता है, रूल करता है, वही सरकार है, यानी जो शासक होता था वो खेती में किसानों को कृषि में पूरा प्रोत्साहन देना देता था। 8वीं सदी में राजा ललितादित्य ने कश्मीर क्षेत्र में खेती को आसान बनाने के लिए पंचक्की का वितरण किया। ठीक है, पंचक्की, पंचक्की जो पानी वगैरह निकाला जाता होगा जिससे, इन सब चीज़ों का उन्होंने वितरण करवाया। तो इससे पता लगता है कि जो राज्य होता था, जो शासक होते थे, वो खेती में बहुत इंटरेस्टेड होते थे, यानी लोगों को, किसानों को प्रोत्साहन देते थे कि आप अधिक से अधिक खेती करके अधिक से अधिक अनाज क्या करें, उपजाया करें।
पल्लव राजा ने पालार घाटी में कांचीपुरम जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ बहुत सारे तालाब बनाए थे। अब तालाब बनवाने का मतलब क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका पानी इस्तेमाल करना है सिंचाई में, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, तमिलनाडु में बात करें पांड्य राजाओं की, तो उन्होंने भी सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं कई सारे। उन्होंने कई सिंचाई परियोजनाओं पे काम करा है, बहुत सारी नहरें बनवाई, कुछ जगह पे कुएं खुदवाए, कुछ जगह पे तालाब वगैरह का निर्माण करवाया, ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं। ये तो था यहाँ पे अर्थव्यवस्था। देखिए, आपकी SOL की बुक में अगर आप केवल SOL की बुक के भरोसे बैठे हैं और आप केवल SOL की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप कोई दूसरी बुक जरूर ले लें कोई ना कोई राइटर की, ताकि आपको फायदा हो, वरना उसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बेसिक बेसिक ही आपको बता रहा हूँ, इतने में आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं समाज, समाज में क्या सिस्टम था। तो देखिए, इस अवधि में जाति प्रथा थी और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी जाति प्रथा। जाति प्रथा के अनुसार लोग जो थे अपनी जाति में बटे हुए थे और अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जाति प्रथा ये आप जानते ही सभी। ब्राह्मण वाली व्यवस्था जो है इसमें चार वर्ण थे। वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके काम अलग अलग थे, ये भी आप जानते हैं। तो शूद्र वर्ण जो था वो सबसे नीचे स्तर पे था, यानी सबसे निचले स्तर पे था। समाज में कई सारे कबीले भी थे। कबीले मतलब लोगों का एक समूह होता था जिसमें एक ही परिवार या एक ही जाति के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये कबीले भी रहते थे। तो ये कबीले जो थे ये खेती और आखेट यानी शिकार वगैरह करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, ये काम करा करते थे। जो हिंसांग था उसने दक्षिणी आंध्र प्रदेश को बटमारों से पीड़ित आबादी वाला जंगली इलाका बताया, यानी कह रहा था दक्षिण आंध्र प्रदेश जो है वो एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है लेकिन वो पीड़ित है। किससे, बटमारों से। अब ये बटमार कौन है भाई, ये बटमार ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो ये इलाका ऐसे मूल निवासियों से भरा हुआ है जो खानाबदोश जिंदगी यानी स्थायी जीवन नहीं बिताते एक जगह कहीं पे रुक के। इनके आजीविका जो है वो लूटपाट से चलती है। कुछ लोग जो है पशुपालन के द्वारा जीवन यापन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, पशुओं को चराते हैं, उनसे उनको दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, जो भी है पशुपालन से अपनी जिंदगी चलाते हैं। मूल निवासियों के बारे में कुछ साहित्यिक लेख भी मिले हैं, साहित्यिक, जिसमें दस कुमार चरितम, कादंबरी, इससे कुछ जानकारी मिल जाती है इस समय की। हालांकि इस समय के देखिए लिखित वाली चीज़ें जो हैं काफ़ी कम मिल पाई, और जो भी मिल पाई है ना उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर एकदम सही जानकारी नहीं लिखी है। ज़्यादातर जो जानकारी मिल रही है वो हेनसांग जो था, जो भारत आया था, उसने जो भी लिखा था भारत के बारे में उससे ज़्यादातर जानकारी ली जा रही है। लेकिन ये भी उसका एक नज़रिया हो सकता था, ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से सत्य हो। इसीलिए इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद भी बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक वर्ण विशिष्ट कार्यों से जुड़ा था। आप जानते हैं ब्राह्मणों का एक विशिष्ट कार्य होता था, जैसे पूजा पाठ ये सब। क्षत्रिय का अलग काम होते थे, वैश्य का अलग काम होता था, शूद्र का अलग काम होता था। तो ये सभी अपने एक विशिष्ट कार्य से जुड़े हुए थे। ब्राह्मण के लिए राजकीय कार्य थे। राजकीय कार्य मतलब जो राजा से संबंधित काम होते हैं, चाहे यज्ञ करवाना, अध्ययन करवाना, पढ़ाना, जो भी काम होते हैं ये काम सुरक्षित थे। कृषि जो थी वो सामान्यतः वैश्य करते थे। कृषि कौन करते थे, वैश्य करते थे। लेकिन इस समय तक शूद्र भी करने लगे थे खेती। देखिए, अगर मान लो जैसे ब्राह्मण है इनका एक काम है, क्षत्रिय है इनका कोई काम है, वैश्य इनका कोई काम है, शूद्र इनका कोई काम है। शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, लेकिन शूद्र कौन सा काम करने लगे, खेती और पशुपालन करने लगे, जो कि वैश्य का काम है। अगर शूद्र इससे अपने से ऊपर आ जाए यानी इस लेवल पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, शूद्र की स्थिति अच्छी होती जा रही, क्योंकि इनके साथ क्या होता था, इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो इतिहासकारों में इन बातों को लेकर विवाद है, कई सारे इतिहासकार अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार, इस संबंध में तीन प्रकार के मत व्यक्त किए गए। पहला तो ये कहा गया कि जो शूद्र थे उनकी स्थिति अच्छी हो रही थी और ये दास व्यवस्था से निकलकर खेती वाले श्रमिक बन रहे थे, यानी किसान बन रहे थे, तो यानी इनका स्तर अच्छा हो रहा था। दूसरे तरह के जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अधिक भूमि अनुदान पाने के कारण किसान की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, और कुछ वैश्य किसान, कुछ मतलब जो वैश्य थे वो उन्होंने खेती बंद कर दी, उन्होंने खेती करवानी शुरू कर दी, शूद्रों से काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है उनको खेती की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वैश्य जो थे वो अभी भी किसान ही रह गए, और जो किसान रह गए यानी जो गरीब या पीड़ित रह गए होंगे या कोई समस्या रह गई होगी, उनका महत्व शूद्र जैसा हो गया था, यानी जो अपने लेवल से नहीं उठ पाए उनको शूद्र के समान ही समझा जाने लगा था। तीसरा जो यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे, कबीले से संबंधित, कबीले के लोग जो थे शूद्र किसान के रूप में सामने आए, यानी कबीले के जो लोग थे वो भी शूद्र ही होते थे और वो किसान बनने लगे, यानी किसान के रूप में सामने आए। अब चीनी यात्री हेनसांग जो है इसने क्या लिखा है इसके ऊपर, इसे भी समझिए थोड़ा सा।
ये कहता है कि जो कसाई लोग हैं या जो मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं या बाजीगर, बाजीगर ये वो शाहरुख खान वाला बाजीगर नहीं है, बाजीगर जो कलाकारी टाइप के कोई काम दिखाता हो, या जल्लाद जो मतलब मार काट वाली सजा देता हो, जैसे फांसी वगैरह देते हैं वो जल्लाद होते हैं, या कोई सफाई का काम करने वाला हो, इनके निवास स्थल जो होते थे वो नगर से बाहर होते थे, यानी नगरों में इनको रहने की परमिशन नहीं थी, नगर से बाहर कहीं इनका कॉलोनी वगैरह इनका गांव होता था जहाँ पे ये लोग रहते थे, क्योंकि ये निम्न निम्न वर्ग के माने जाते थे। तो ये तो हो गया भाई सारा का सारा जाति प्रथा और वहाँ की खेती किसानी का सिस्टम। अब थोड़ा सा महिलाओं के बारे में समझिए, स्त्रियों पर पाबंदी लगाई जाती थी, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, ये ध्यान रखना। रजस्वला होने के बाद उनका विवाह निंदनीय था। रजस्वला मतलब जब कोई महिला रजस्वला हो जाती है, यानी कि जब कोई लड़की जिसके मासिक धर्म शुरू हो जाए, पीरियड वगैरह शुरू हो जाए, उसके बाद उसका विवाह करना निंदनीय माना जाता था। कहने का मतलब ये है कि लड़की की जो शादी होती थी वो काफ़ी कम उम्र में हो जाती थी। और एक महान व्यक्ति ने तो ऐसा भी कहा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी होता है, हस्बैंड होता है, उससे एक तिहाई उम्र की लड़की होनी चाहिए। यानी अगर आदमी अगर 30 साल की उम्र का है तो लड़की जो है वो 10 साल की होनी चाहिए, यानी 30 साल के लड़के की शादी 10 साल की लड़की से करवाओ, ऐसा कहा गया। आप एसओएल की बुक में देखना, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पॉइंट लिया नहीं है वहां से, बट वहां पे बुक में आपके लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो कहा जाता था, यानी इसका मतलब यह कि लड़की की शादी कम उम्र में कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि महिला का विवाह जो है वो काफी कम उम्र में हो जाएगा, और महिला का विवाह कम उम्र में होगा तो जो लड़की होगी वो एक तरह से जवान रहेगी, और जो पति होगा उसका वो एक तरह से बूढ़ा होने लग जाएगा। फिर क्या होगा, एक समय ऐसा हो जाएगा पति जो है जल्दी मर जाएगा, स्त्री जो है वो बाद में मरेगी, तो जब वो तब तक उसे कैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, विधवा वाली जिंदगी। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नियां होती थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद लंबे समय तक जीवित रहती थी, और उनको कैसी जिंदगी जीनी पड़ती थी, विधवा वाली जिंदगी। और ऐसा माना जाता है कि आरंभिक मध्यकाल में सती प्रथा भी थी। सती प्रथा क्या होता है, आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है कि जब पति मर जाता था किसी महिला का, तो उसको ना उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जिंदा ही जला दिया जाता था। ये कितनी मतलब क्रूर व्यवस्था रही होगी, आप सोच के भी दिल दहल जाएगा, ये ऐसा कहा जाता है, ऐसी भी प्रथा थी उस समय में। आरंभिक मध्यकाल में नारियों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, थोड़ी सी अच्छी का मतलब समझिए कि उनको शूद्रों की तरह कुछ धार्मिक ग्रंथ जो हैं, जैसे कुछ भी पूजा पाठ वाली चीज़ें हैं उसको सुनने का मतलब मौका दिया जाता था, और वो चाहें तो भगवान की पूजा कर सकती थी, उनको अनुमति थी। यानी थोड़ी सी स्थिति सुधार आई, सुधार हुआ है स्थिति में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है, आपको सारा बेसिक समझाया है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी टॉपिक रह रहा है तो आप डीप जानने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, और एसओएल की बुक से ज़्यादा मैं आपको अच्छा बताऊंगा कि आप किसी राइटर की किताब पढ़ लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।